अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों के बीच पूरी दुनिया से डॉलर मांगने का काम लगातार शुरू किया जा रहा है चाइना पाकिस्तान के द्वारा। चाइना और पाकिस्तान की एजेंसियों ने अब एक नया रोना रोना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले तो वो रोना रो रहे थे कि 9/11 का हमला दोबारा से हो जाएगा अगर अफगानिस्तान के अंदर आपने डॉलर नहीं दिए, लेकिन अब ये नया रोना रो रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को अगर डॉलर नहीं दिए तो अफगानिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। जरूर दोस्तों, ये बात आज सच है कि अफगानिस्तान के लोगों को आज बहुत ज्यादा जरूरत है खाने पीने की सुविधाओं के साथ साथ खाने पीने की चीजों की, क्योंकि आज बैंक बंद हैं और तालिबान के कारण आज अफगानिस्तान के बैंकों के रिजर्व भी बंद हैं, तो ना तो ये इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही खाने पीने की चीजें दुनिया के दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं, क्योंकि तालिबान का शासन आया है और लगातार महिलाओं के प्रोटेस्ट भी हुए हैं और लोगों को भी एक डिटेन करने की जो एक तस्वीरें हैं लगातार मीडिया के अंदर सामने तो निकल ही रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर दुनिया के देश आज अफगानिस्तान की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन जो हालात तालिबान ने पैदा किए हैं वो मदद करने नहीं देते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके अनुसार बताया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहले गरीबी थी वो बढ़ जाने वाली है और पहले जो गरीबी 72% थी वो बढ़कर अब 97% लोग अफगानिस्तान के अंदर गरीब हो जाने वाले हैं। अफगानिस्तान के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम मुंह बाए खड़े हुई है, वो है ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ गिरने के कारण, जो एक आवाजाही है वो भी बंद हो जाती है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो उस कारण से जो एक फूड का क्राइसिस पैदा हुआ है उससे अफगानिस्तान के लोगों की जान को भी एक बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन जो एक ध्यान देना चाहिए तालिबान के रूल और रेगुलेशन के ऊपर, उसकी और दुनिया के अंदर किसी का भी ध्यान नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने भी एड भेजी है और यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग देशों की मीटिंग बुलाकर $1 बिलियन का फंड इकट्ठा किया है जो कि वो मदद के रूप में अब अफगानिस्तान भेजने वाले हैं। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा कंसर्न आज ये है कि भारत आज मदद करने को तैयार है, भारत पड़ोस में बैठा है अफगानिस्तान के मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जो वो लोग वाकई में ही आज गरीब हैं, जो आज भूख से तरस रहे हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लीडर आज अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, तो आखिरकार हम कैसे मदद दें और वो मदद उन गरीब लोगों तक पहुंच सकेगी। पंजशीर घाटी के हालात बिगड़े हुए हैं। तजाकिस्तान मूल के जो एक आबादी है, हजारा मूल की आबादी है, शिया मूल की आबादी है, उसके जो लीडर है आज अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट में मिसिंग है। अब जब भारत मदद करना चाहता है, तजाकिस्तान मदद करना चाहता है, ईरान मदद करना चाहता है, लेकिन उस कम्युनिटी को मदद पहुंचाने के लिए जो एक लीडर होना चाहिए कि हाँ वो एक प्रूफ कर सके बात को कि ये मदद पहुंची है या नहीं पहुंची है, वो लीडर आज मौजूद नहीं है। यही कारण है कि भारत ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि हम डॉलर तो नहीं देने वाले हैं, लेकिन मदद की एक जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय आज अफगानिस्तान के अंदर भूख से मर रहे हैं, तालिबान वाले तो उनसे जलते हैं और तालिबान वालों के जलने के कारण दुनिया की जो मदद अफगानिस्तान के अंदर आ रही है वो मदद उन लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसके ऊपर भारत ने कंसर्न जारी किया है।